हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मेरा नाम है दीपिका पटेल और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए, ये टॉपिक आपको ग्रामर में हर जगह मिलेगा, कहीं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से मिलेगा, कहीं सिंटेक्स के नाम से मिलेगा, जो भी है ये सेम ही है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये आता कहाँ से है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के हम बात करें, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट का होना या न होना सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, यार, दैट मींस अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब पर भी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, जरूरी क्या है? जरूरी है इस सब्जेक्ट का होना और इस वर्ब का होना। अगर किसी सेंटेंस में, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, सुनिए ध्यान से। किसी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, तीनों चीजें होती हैं। लेकिन अगर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट कहलाएगा। बट अगर सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है तो उस कंडीशन में वो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट? ठीक है, तो अब जब हमने बात करी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो जब इन दोनों को आपस में एक साथ रहना है, एक साथ लेकर के चलना है हमेशा से, तो इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? आपस में दोस्ती बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट और वर्ब की आपसी दोस्ती है ना, इसी को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपसी दोस्ती के भी नियम कानून होते हैं, जैसे हम और आप दोस्ती बनाते हैं, दोस्ती करने के लिए हम भी कुछ नियम कानून इंप्लीमेंट करते हैं, तो वही अग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। अब इसके क्या क्या रूल्स हैं? जैसे नियम रूल नंबर वन, दोस्ती का नियम होता है, क्या नियम होता है? दोस्ती हमेशा एक जैसे लोगों के बीच में होती है, राइट? एक जैसा बोलने का मतलब है एक जैसी विचारधारा का ना। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है कि मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, मुझे क्लियर होना है, एग्जाम पे फोकस करना है, तो आप फोकस जो कि पढ़ाई करोगे वही आपका दोस्त। ठीक है, अगर मान लीजिए वो आपसे टोटली ऑपोजिट है, ठीक है, वो बोल रहा है अरे ठीक है पढ़ाई वढ़ाई तो होता रहती है, हम क्या करने वाले हैं, चलो घूम के आते हैं, आज कहीं मूवी देख के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्ती लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती तब होगी जब आप भी पढ़ने वाले हो, आपका दोस्त भी पढ़ने वाला है, राइट? तो यही है विचारधारा में सिमिलैरिटी। तो दोस्ती एक जैसों के बीच होती है, सेम इनके साथ भी है इनकी दोस्ती। अब यहाँ क्या है? ठीक है, यहाँ बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। क्या बोला मैंने? इनकी दोस्ती का पहला नियम, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। इसका मतलब ग्रामेटिकली सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सिंगुलर है, सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। आ रही है बात समझ में? एक जैसे होने का क्या मतलब है? एक जैसे होने का मतलब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। ठीक है मैडम, ये तो बात समझ आ गई सिंगुलर और प्लूरल की, पहचानेंगे कैसे, आएगा कहाँ से? ठीक है, उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। देखिए, सब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली क्या होता है? नाउन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन,
नाउन ही होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है जनरली, ठीक है, याद रखिएगा जनरली बोल रही हूँ, नॉट ऑलवेज। तो अब ये जो नाउन है इसके साथ में हम लोगों ने तो बेसिक रूल पढ़ा हुआ ही है, किसी भी नाउन में हम एस या ई एस एड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन एग्जाम्पल बॉय, एस ई एस लगा दो बन जाएगा बॉयज। सिटी, एस ई एस लगा दो बन जाएगा सिटीज, ये सिंगुलर, सिटी सिंगुलर, सिटीज प्लूरल। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बेसिक कंसेप्ट नाउन के लिए पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब भी हम किसी नाउन के साथ एस ई एस लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। लेकिन सेम कंसेप्ट वर्ब के साथ उल्टा हो जाता है। कैसा उल्टा? वर्ब में जब हम एस या ई एस एड करते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्या बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब। क्या बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब। जब किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है तो वो बनेगा सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे गो, गोस, डू, डस। इस तरीके से जब भी किसी वर्ब के एंड में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, जब कभी नाउन में एस ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। ये बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसीलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन तुरंत ही मिटा लें। ठीक है, तो एक बार रिपीट करें, क्या बोला हमने? सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब यूज होगा सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा। आई बात समझ में? हाँ, एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। अभी जो मैंने बोला ये उसी का ही एग्जाम्पल है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ कैसा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, सुमित इज ऑलवेज लेट टू क्लास। सब्जेक्ट क्या है? सुमित। कैसा है? सिंगुलर। तो इसीलिए हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर इज। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही कैसा है? सिंगुलर है। ही कैसा है? सिंगुलर है। ही सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वर्ब देखो एस ई एस वाला लगाया, गोज मतलब सिंगुलर। She singular. She dances very well. S-E-S लगाया singular. Manish writes one poem every day. Subject क्या है? Manish. Verb कैसा होगा? Singular. ठीक है, Shweta runs very fast. Shweta क्या है? Singular. इसलिए verb कैसा? Singular. Runs. ठीक है, Student needs to complete his homework. Subject क्या है? Student. कैसा है? Singular. Verb कैसा use होगा? Singular. Needs. He plays the flute. Subject क्या है? He. कैसा है? Singular. Verb कैसा होगा? Plays. Singular. ठीक? तो singular subjects always take singular verb with them. Okay. आगे चलें. Next. Plural subjects take plural verb with them. अब plural subject होगा तो कैसा verb use करेंगे? Plural verb. इधर देखिए जरा. They go to market every day. Subject क्या है? दे। कैसा है? प्लूरल। कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब क्या यूज करेंगे हम? गो, प्लूरल वर्ब। दे प्ले फुटबॉल एवरी डे। अगेन सब्जेक्ट है दे। कैसा है? प्लूरल है तो वर्ब क्या यूज करेंगे? प्लूरल। वी डांस विद जॉय। सब्जेक्ट क्या है? वी। प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब। द बॉयज राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। कैसा है? प्लूरल है। वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट। सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। कैसा है? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा, हैव। दे डू देयर वर्क रेगुलरली। अगेन सब्जेक्ट क्या है? दे। वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा क्योंकि दे भी प्लूरल ही है। आई बात समझ में? यहां तक ठीक है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब आएगा इसमें एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक्सेप्शन है आई एंड यू। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम। अब देखो यू प्लूरल फॉर्म में भी यू ही यूज होता है, बट यहां हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, ठीक है। तो अपने आप में आई यानी कि मैं सिंगुलर है, यू तुम वो भी सिंगुलर है। ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं। कैसा वर्ब लेके चलेंगे? प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं, ठीक है। कैसा? यहाँ पे देखिए, I go to market daily. I go to market daily. He लिखा होता he goes. She goes. But they go. वैसे ही I go. ठीक है, ये ध्यान रखना है। You do your work carefully. You singular है but अपने साथ plural लेके, ठीक है। आई हैव टू पेंस, आई के साथ हम लगाते हैं हैव, आई के साथ हैज नहीं बोलते, आई हैज गलत है, आई हैज नहीं बोलते, ठीक है। ही हैज जरूर बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे ही हैज टू पेंस या शी हैज टू पेंस, ठीक है। लेकिन आई आई के साथ लगता है हमेशा हैव। यू गो देयर, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा आई और यू दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, स्टिल ये अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेकर के चलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक तो चीज क्लियर है। अब बात करते हैं, जब हम लोगों ने अभी तक जो भी बात करी, एक सब्जेक्ट की बात करी कि अगर एक सब्जेक्ट है तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब लगा देंगे हम, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप दोस्ती में एक और एंट्री हो गई है, ठीक है, दो लोगों के बीच की दोस्ती नहीं, आप किसकी एंट्री होगी? तीसरे की एंट्री होगी, ठीक है। तो देखो आप क्या बोल रहे हैं, टू सब्जेक्ट्स व्हेन जॉइंड टुगेदर विथ एंड बोथ एंड are taken as plural and hence take plural verb with them. क्या बोलना चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है S1, दूसरा है S2. अगर ये आपस में joint है, किसे joint होंगे? किसे joint होंगे? दो सब्जेक्ट है, जो भी joint होगा वो किससे होगा? Conjunction, कोई ना कोई conjunction ही use होगा, है ना। कंजंक्शन, कंजंक्शंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, पता है हमने पढ़ा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट होंगे S1 और S2, अगर मान लीजिए जुड़े हैं किसी कंजंक्शन के साथ और वो कंजंक्शन है एंड, एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है, या बोथ एंड यूज हो रहा है, बोथ एंड यूज हो रहा है कंजंक्शन के रूप में, तो इस कंडीशन में जो भी वर्ब यूज होगा वो कैसा होगा? वो प्लूरल होगा, क्योंकि एंड लगते के साथ में सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल। एग्जाम्पल, रवि एंड हिज सिस्टर गो टू मार्केट टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है रवि, दूसरा सब्जेक्ट है हिज सिस्टर, जुड़े किसके साथ है? एंड के साथ। रवि एंड हिज सिस्टर, ये दोनों मिला करके हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। जब ये हुआ तो इसके साथ में जो भी वर्ब लगाया हमने गो, ये प्लूरल वर्ब लगा दिया। सेम, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। सब्जेक्ट है यू पहला, दूसरा है ही, जुड़े हुए हैं एंड के साथ में, इसीलिए वर्ब लगाएंगे प्लूरल आर। बोथ सुनील एंड राजीव वर्क टुगेदर। एक सब्जेक्ट है सुनील, दूसरा सब्जेक्ट है राजीव, जुड़े किसके साथ में है? बोथ एंड के साथ में, ये कंजंक्शन यूज हुआ है इनको ज्वाइन करने के लिए, इसलिए वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। बोथ निधि एंड सुमन आर इंटेलिजेंट। सब्जेक्ट वन निधि, सब्जेक्ट टू सुमन, जुड़े किसके साथ है? बोथ एंड के साथ में, तो कौन सा वाला वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्या बोला हमने?
दो सब्जेक्ट होंगे, अगर एंड या बोथ एंड के साथ जुड़े होंगे तो वर्ब यू भी यूज होगा, कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। अब अगेन इसमें भी एक्सेप्शन, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है कि द पेयर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट अ सिंगल एंटिटी टेक सिंगुलर वर्ब। पेयर वर्ड्स किसको बोलते हैं? पेयर वर्ड जो हिंदी में हम युग्म शब्द कहते हैं ना, युग्म शब्द जो कहते हैं हम, युग्म शब्द वो होते हैं पेयर वर्ड्स। तो जब दो सब्जेक्ट्स मिल करके किसी एक चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एक है ब्रेड, दूसरा है बटर, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ब्रेड एंड बटर बोल करके हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, जो एक डिश बना, कंप्लीट डिश बना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जब दो सब्जेक्ट्स मिल करके किसी एक एंटिटी के बारे में बता रहे होंगे, तब हम जो भी वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा क्या यूज करेंगे? हम सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि ये दो है जुड़े एंड के साथ है, स्टिल किसी एक चीज को डिनोट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, इसलिए वर्ब भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे। वैसे राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, राइस अलग है करी अलग है, लेकिन जब हम दोनों को मिला करके किसी एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो वर्ब लगाया वो सिंगुलर लगाया। आई बात समझ में? ध्यान रहेगी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, दो सब्जेक्ट आपस में अगर एंड से जुड़े होंगे तो बन जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब, ठीक है। एकदम सही से समझ में आ गया है, ठीक। तो अच्छा, अब यहाँ पे बात किया गई, यहाँ पे बात ये आ गई कि तीसरे जो फ्रेंड की एंट्री हुई, उसके बाद में जो दो फ्रेंड्स थे दोनों एक जैसा बोल रहे थे, इसलिए जो हमने बोला सही बोल दिया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आएगा, कहानी में ट्विस्ट तब आएगा यहां से, जब दो सब्जेक्ट्स दो अलग अलग बात कर रहे हो। आई बात समझ में? दो सब्जेक्ट अलग अलग बात कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या करे? तीसरा फ्रेंड बेचारा पहले की सुने कि दूसरे की, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? ध्यान रखना है, दोनों एक जैसी बात कर रहे होंगे तब तो हमारी बात समझ में आ गई, जब दो सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तब क्या करना है, कैसे हैंडल करना है उसको देखना है। पहले समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। एक सब्जेक्ट है S1, दूसरा सब्जेक्ट है S2। अब ये जो बीच का कंजंक्शन यूज हो रहा है ना, ये करेगा मेन खेल, ये करेगा मेन खेल, कैसा करेगा, ठीक है। मान लिया जाए ये जो दो सब्जेक्ट है आपस में जुड़े हुए हैं कंजंक्शन विथ के साथ या along with के साथ या in addition to, देखो यहाँ पे लिख रखा है with, together with, along with, in addition to, as well as, इस तरीके का कोई conjunction इनके बीच use हो रहा है, accompanied by, ये भी एक conjunction होता है जो इनके साथ use हो सकता है, ऐसा कोई कंजंक्शन इन दोनों के साथ यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्ब के साथ क्या होगा? उस कंडीशन में जो भी वर्ब यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होगा, ये वर्ब इसकी बात मानेगा, ठीक है। द वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो यूज होने वाला वर्ड भी प्लूरल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट हो S1 एंड S2 और अगर आपस में जुड़े हुए हो with, along with, accompanied by, ऐसा कोई सब्जेक्ट यूज हो रहा है इनको ज्वाइन होने के लिए, सॉरी ऐसा कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है इनको ज्वाइन करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो भी वर्ब होगा वो किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर यही चीज दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं आइदर और, नाइदर नॉर,
नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके का कोई कंजंक्शन इनको ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है, उस कंडीशन में जो भी वर्ब हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट. यहाँ हमने किसके अकॉर्डिंग यूज किया था? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ हम किसको फॉलो करेंगे? सेकेंड सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब होगा, ये इसकी बात मानेगा. अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा. आ रही है बात समझ में? ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं. देखिए, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड. इसमें पहला सब्जेक्ट है द क्रिमिनल, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फॉलोअर्स. जुड़े किसके साथ है? अलोंग विद के साथ. अलोंग विद के साथ जुड़ा होगा तो वर्ब किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को. फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है. कैसा है? सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया, वॉज. ठीक. द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम. पहला सब्जेक्ट पब्लिशर, दूसरा सब्जेक्ट द राइटर्स. जुड़े किसके साथ? एज वेल एज. एज वेल एज के साथ जुड़े होगा तो वर्ब किसको फॉलो करेगा बताओ? फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर. द टीचर्स अलोंग विद द प्रिंसिपल्स वर इनवाइटेड फॉर द सेरेमनी. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट द टीचर्स, सेकेंड सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, जुड़े किसके साथ? अलोंग विद. अलोंग विद के साथ जुड़े होगा तो सब्जेक्ट वर्ब किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को. फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी हमने लगा दिया प्लूरल. नाइदर नॉर, नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी. यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट ही, दूसरा सब्जेक्ट आई, दोनों जुड़े किसके साथ हैं? नाइदर नॉर के साथ में जुड़े हुए हैं. कंडीशन में सब्जेक्ट किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट. इस कंडीशन में सब्जेक्ट किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. सेकेंड सब्जेक्ट के लिए आई है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? आई, तो उसके लिए वर्ब कौन सा यूज करेंगे? एम. एम इज अ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब डिजाइंड ओनली फॉर आई. ठीक है. Either Ravi or his classmates were present for the ceremony. पहला सब्जेक्ट रवि, दूसरा सब्जेक्ट क्लासमेट्स. ठीक है, जुड़े किसके साथ हैं? Either or के साथ में. Either or से जुड़े होंगे तो किसको फॉलो करेगा? सेकेंड सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो इसीलिए वर्ब भी प्लूरल. Not only the players but also the captain was dancing at the party. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर वन द प्लेयर्स, सब्जेक्ट नंबर टू द कैप्टन, जुड़े किसके साथ? नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में. इस कंडीशन में सेंटेंस वर्ब किसको फॉलो करेगा? सेकेंड सब्जेक्ट को. सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर, वॉस. आ रही है बात समझ में? एकदम कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, क्या कंसेप्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट दो अगर जुड़े हुए हैं with, along with, accompanied by, as well as के साथ में, उस कंडीशन में वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. अगर ज्वाइन होने के लिए कंजंक्शन आइदर और नाइदर नॉर यूज हो रहा है, उस कंडीशन में वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. जैसा सेकेंड सब्जेक्ट वैसा वर्ब. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, आई होप ये रूल्स आपको सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. ठीक है, रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया. देखो, इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ रूल्स किए हैं, अब उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि इतना में क्या क्या हमारे दिमाग में आया. पहला देखिए क्या है, द लायंस ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक. ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक हिंट आपको पहले से ही मिल गई है. हिंट पहले से ही मिल गई है. हिंट क्या मिल गई है? यहाँ पे देखो, एन. एन आर्टिकल हमेशा वन के लिए यूज होता है. ए एन द आर्टिकल्स में एन आर्टिकल डिनोट करता है किसी सिंगल एंटिटी को, वन को. तो ये बता रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है. ठीक है, ये हिंट है हमारे लिए जो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है. और सब्जेक्ट क्या है? ये द लायंस ऑफ द ईस्ट, ये पूरा का पूरा एक बुक का नाम है. तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर. अब देखो यहाँ पे इज एम आर, तीनों में सिंगुलर कौन सा? सिंगुलर इज. आंसर इज.
समझ आ रही है बात? दूसरा देखिए, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट वन, ये है हमारा सब्जेक्ट टू, जुड़े किसके साथ है? नाइदर नॉर के साथ में। नाइदर नॉर के साथ जुड़े होते हैं तो सब वर्ब किसको फॉलो करता है? नाइदर नॉर के साथ जुड़े होते हैं तो भैया वर्ब फॉलो करता है सेकंड सब्जेक्ट को। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या यूज होगा? याद करो, एक्सेप्शन बताया था हमने, यू सिंगुलर है लेकिन अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल। प्लूरल लेगा कौन सा होगा? इज या वाज या वेयर। समझ पा रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? ठीक है, कैसे ट्रिक्स देख देख के सॉल्व कर रहे हैं वो समझिए, आपसे भी बनने लगेगा। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे हमारे लिए हिंट क्या है? ऑल। ऑल वर्ड एक हिंट है। ऑल लगते के साथ मतलब हो गया सब। सब मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा बोले तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? प्लूरल। तो जब वो प्लूरल तो वर्ब कैसा यूज करेंगे हम? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, अब ऑप्शन है हमारे पास लर्न एंड लर्न्स, दोनों में से प्लूरल कौन सा? एसईएस लग गया मतलब वो बन गया सिंगुलर, तो लर्न हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर लर्न। फोर्थ, वन ऑफ द प्यूपल्स इन आवर क्लास डैश अ कार। अब यहाँ पे है कंसेप्ट। कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है प्यूपल्स। ठीक है, सब्जेक्ट दिख कैसा रहा है? प्लूरल दिख रहा है, लेकिन 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 आगे क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। वन ऑफ द प्यूपल्स, वन ऑफ द प्यूपल्स का मतलब क्या है? एक क्लास में बहुत सारे प्यूपल्स है, उनमें से एक। समझ आ रहा है? तो उनमें से एक, तो हम बात तो एक ही की कर रहे हैं ना, है कि नहीं? है प्यूपल्स बहुत सारे, लेकिन बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं। तो ये रूल है नाउन का कि जब भी हम बहुतों में से एक, वन ऑफ द के साथ में हमेशा जब नाउन यूज करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल यूज होता है, क्योंकि हम बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं ना, तो बहुतों में से एक के लिए बहुत होने भी तो चाहिए, तो प्यूपल्स प्लूरल यूज होगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम एक की बात कर रहे हैं, उन बहुत सारे प्यूपल्स में से एक। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा बन गया? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है अब सिंगुलर कैसा है, एसीएस वाला, ओन्स अ कार। द काउंसिल डैश चोजन इट्स प्रेसिडेंट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा काउंसिल। सब्जेक्ट क्या है? काउंसिल। काउंसिल कैसा सब्जेक्ट है? नाउन है ना, कैसा वाला नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा, क्योंकि वो एक कलेक्शन का नाम है, पूरी कलेक्शन का एक नाम है, सिंगल एंटिटी है। तो द काउंसिल सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। इस दोनों में से सिंगुलर कौन सा है? हैज। द काउंसिल हैज चोजन इट्स प्रेसिडेंट। समझ पा रहे हैं कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं? नो न्यूज डैश गुड न्यूज। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है न्यूज। ऐसा सब्जेक्ट जो दिखता सिंगुलर, दिखता प्लूरल जैसे है लेकिन है कैसा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, और इसके साथ क्या लगा है? मेनी। मेनी का मतलब होता है बहुत। बहुत मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। प्लूरल है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा यूज होगा? प्लूरल। हैज या हैव, प्लूरल कौन सा? हैव। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वुंडेड। अब ये बहुत इजीली हो जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, मतलब हमारे पास एक दो तीन सब्जेक्ट हैं जुड़े हुए हैं एंड के साथ में। एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़े होते हैं तो वर्ब कौन सा यूज करते हैं? प्लूरल। धड़ाके से लगा देंगे हम प्लूरल। बट, ब्रेक लगाओ। बट, ब्रेक क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी। क्या लिखा है? एवरी
ठीक है, ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट में यूज होता है सेंटेंसेस में, ईच या एवरी। ईच या एवरी इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है हर एक और प्रत्येक। थोड़ा उल्टा हो गया ना, ऊपर वाला हर एक प्रत्येक होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो हर एक या प्रत्येक दोनों जगह में एक एक की बात हो रही है, हर एक की या प्रत्येक की, यानी कि एक। तो भले यहाँ पे एक से ज्यादा सेंटेंस है लेकिन ईच और एवरी लगने के साथ में ये सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर बन गया। ये गलती मत करना, अभी ध्यान से समझना जो मैं बोली। क्या ईच या एवरी लगने के साथ में सब्जेक्ट कैसा बना, सिंगुलर। तो सिंगुलर बना तो हम यहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। नहीं तो अभी गलती हो रही थी, अभी क्या लगाने वाले थे आप, क्योंकि प्लूरल दिख रहा था तो आप प्लूरल फटाक से लगाने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिससे हम गलतियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, पोएट ड्रामेटिस्ट, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट ड्रामेटिस्ट, दो सब्जेक्ट जुड़े किसके साथ हैं, एंड के साथ में। तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। नहीं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल द, एक ही आर्टिकल लगा है द, एक ही आर्टिकल लगा है द, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति की बात कही जा रही है जो कि पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है। एक ही व्यक्ति पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, इसलिए एक आर्टिकल हमने यूज किया। तो इन दो सब्जेक्ट्स दिखने के बाद भी हमको ये समझना है कि हम बात एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं जो कि पोएट भी है ड्रामेटिस्ट भी है। व्यक्ति एक यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर कैसा होगा, सिंगुलर। तो कौन सा सिंगुलर होगा इसमें से, इज एम आर सिंगुलर क्या है, एस। समझ आ रहा है। लास्ट वन, द एमडी एंड द सीईओ डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे दो सब्जेक्ट एमडी, दूसरा सब्जेक्ट सीईओ, दोनों के साथ इंडिविजुअल आर्टिकल लगा हुआ है द। द एमडी एंड द सीईओ दैट डिनोट्स कि हम दो अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनमें से एक एमडी है और दूसरा सीईओ है। तो जब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं जुड़े हुए हैं एंड के साथ में, तो दो सब्जेक्ट एंड के साथ प्लूरल बन गए, प्लूरल बने तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द एमडी एंड द सीईओ डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग वॉज वर हैव, दोनों के बीच में सॉरी इन तीनों में से प्लूरल कौन सा है, आई बात समझ में। ठीक है, द एमडी एंड द सीईओ वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे और डाउट्स पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में नए नए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।